आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपका फ्लिपकार्ट ओपन नहीं हो रहा है, यानी कि आपका फ्लिपकार्ट नहीं चल रहा है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का नेटवर्क चेक करना है कि आपके मोबाइल में नेटवर्क है कि नहीं। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल का डाटा कनेक्शन चेक करना है कि आपका मोबाइल डाटा कनेक्शन यहाँ पर ऑन है कि नहीं। अगर आपका मोबाइल का डाटा कनेक्शन ऑन नहीं है, तो सिंपल आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। अगर ऑन करने के बाद भी आपका फ्लिपकार्ट ओपन नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ से आपको अपने मोबाइल का जो एरोप्लेन मोड दिख रहा है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ से आपको फिर से इसको ऑफ करना है। उसके बाद आपको एक बार फ्लिपकार्ट को ओपन करके यहाँ पर चला के देखना है। अगर आपका फ्लिपकार्ट चलने लगता है तो ठीक है, अगर इसके बाद भी नहीं चल रहा है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है सेटिंग में ही। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, या आपको इंस्टॉल्ड ऐप या ऐप जो भी ऑप्शन दिखे उस पर आपको क्लिक करना है। क्योंकि हमारे फ़ोन में यहाँ पर मोर सेटिंग दिया गया है, तो हम मोर सेटिंग पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ऐप मैनेजर पर क्लिक करते हैं। ऐप मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड होंगे, सारे ऐप चले आएंगे। तो इसमें आपको फ्लिपकार्ट ढूंढ लेना है। फ्लिपकार्ट ढूंढने के बाद यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट पे क्लिक करना है। फ्लिपकार्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो यहाँ पर डाटा यूजेज है, उस पर जाना है। और यहाँ से आपको चेक कर लेना है कि आपका जो मोबाइल डाटा यूजेज, जो दोनों जो ऑप्शन दिख रहा है, वाईफाई और डाटा नेटवर्क, यह दोनों ऑन है कि नहीं। अगर आपका यह दोनों ऑफ दिखता है, तो यहाँ से आपको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको परमिशन पे जाना है। और यहाँ से अगर आपका परमिशन ऑफ दिखे, तो यहाँ से आपको सारे परमिशन को यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में, अगर इतना से अगर आपका फ्लिपकार्ट नहीं चल रहा है, नहीं ओपन हो रहा है, तो सबसे लास्ट में आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्लियर कर देना है। यहाँ पर जैसे आप फ्लिपकार्ट का डाटा क्लियर कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका जो फ्लिपकार्ट वहाँ पर लॉगिन था, वहाँ से वो लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको नए तरीके से फ्लिपकार्ट को लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद आपका जो भी फ्लिपकार्ट का प्रॉब्लम था, नहीं चल रहा था, नहीं ओपन हो रहा था, वो पूरे तरीके से सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अपने फ्लिपकार्ट का जो भी प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।